This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. Audhu Billahi असला तो वसलाम या रसूल अल्लाह असला तो वसलम या हबीब अल्ला नाज़रीन आप देख रहे हैं का उसका और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी आज हमारे मेहमान कॉलम निगारो व दानश्वर खतीब व नकीब व मुदब्बिर, प्रोग्राम ऑर्गनाइज़र बतौर एनकर भी खासे मारूफ और हयात तयरबा पर सच्ची कहानियों के मजमू महबूब आलम के खालिकम प्रोफेसर रूहान दानिश और उन्हें इस शेर के साथ प्रोग्राम अहल कलम में खुश कहने जा रहा हूँ कि ना हम पारस का टुकड़ा हैं ना बेदिल कीमिया गर हैं ना हम पारस का टुकड़ा हैं ना बेदिल कीमिया गर हैं मगर दशते हुनर की खाक को सोना बनाते हैं रोहन आपको खुश कहते हैं सर, प्रोग्राम कलम में लाए। आपको बहुत शुक्रिया सर मैं ममनून हूँ आपका आपके इदारे का और मेरी दुआ है अल्लाह जो आपने तारुफ करवाया है उनफा का मस्ताक बना अल्लाह नहीं ये सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं लेकिन एतराफ़ कोई कोई करता है और मुझे ये एतराफ़ है कि मजीद बरकतें अच्छा पहला सवाल ये है कि इब्तदाई तालीम के माइल किन स्कूलों में तय हुए और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल जो इसके बाद होगा वो रफाए आम हाई स्कूल से और फिर कुरान कॉन्फ्रेंस तक वो दूसरा सवाल है लेकिन पहले इब्तायी तालीम के बारे में बताइएगा सर रफाए आम स्कूल का तो आपने हवाला दे दिया लेकिन उससे पीछे प्राइमरी तालीम की अगर मैं बात करूँ प्राइमरी तालीम मेरी है मिलत हाई स्कूल से ठीक हो गया तो आ, मिल्लत बल्कि मिलत जूनियर मॉडल स्कूल कहलाता था ये उस जमाने में और आ, मुझे आ, मैं अल्लाह तहसान मंद हूँ इस चीज़ पर कि असलाफ अदबी अदबी असलाफ की एक झलक मैंने देखी यानी मेरा आ, इशारा है आ, उन शख्सियात की तरफ उनमें से एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसी करनाली नहीं। नहीं। तो हमारे आ, मतलब बिल्कुल लाशोरी की उम्र थी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे लेकिन मैंने उन्हें देखा हुआ है वो उस स्कूल के में तशीफ लाए मिर्जा मुसरत बेग की बुनियाद रखी हुई स्कूल थी और जिनका जिनके बाद इदारे जो हैं वो नेशनलाइज भी हुए तो अपनी रिटायरमेंट के बाद शायद किसी जमाने में जब बड़े हुए तो पता लगा कि उनका नक्शा जहन में महफूज रह गया अच्छा वो जिन दिनों स्कूल में तशीफ लाए ना तो उन्होंने मैं उस वक्त वन क्लास का स्टूडेंट होता था एक मैगजीन आ, उन्होंने आ, स्कूल का जो है वो जारी करवाया आ, एक हमारे जो हेडमास्टर होते थे मुझे उनका भी नाम याद है लेकिन उनकी कोई बात याद नहीं है नहीं। आ, क्योंकि बहुत ही आ, कम उम्री थी अब्दुल बाकी उनका नाम था बारिश थे और एक लाठी टेक के बैठे होते थे तो आशिक करनाली साहब का चेहरा मेरे जहन में तभी से महफूज़ रह गया अच्छा वो जो मैगजीन छपा उसमें मेरी तस्वीर आई हर क्लास के मॉनिटर्स वगैरह की मैं वन क्लास का मॉनिटर होता था तो तस्वीर आई और ये उम्र वो थी कि जब वो उसके ऊपर लफ्ज लिखा हुआ तो बच्चों की तरह वो लफ्ज भी मुझे पढ़ना नहीं आता था तो मैं उसको गलत प्रोनसीए करता हुआ घर आके तो वालदा से <laughs> पूछ रहा हूँ तो सब लोग हंसने लगे उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं इसको पढ़ना है तो ये फिर जब हम जब शऊर में पहुंचे तो उनका इंतकाल हो गया तो तब पता लगा कि अच्छा ये इतनी बड़ी शख्सियत थी जिनकी हमें ज्यारत हुई वाह अच्छा मैं थोड़ा सा एक जमरी सवाल ये भी है कि ए, वो इस जिन्होंने कितासो कलम से आपका रिश्ता जोड़ा जी और आपके शौर और लाशौर में कहीं महफूज हैं तो उनका जिक्र भी कीजिएगा जी ज़रूर यकीन उनके जिक्र के बग़ैर और उनके लिए अदब और उनके लिए शुक्र के जज्बात के बग़ैर मेरी शख्सियत मुकम्मल नहीं हो सकती अच्छा मैं आपको बताऊँ कि उस ज़माने के इंस्प्रेशन में एक आप भी मौजूद हैं Allah. आपका हालांकि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट रफायाम हाई स्कूल मुल्तान हुँ. तो आ, आपका स्कूल जो है वो स्कूल होता था उस जमाने में हुँ. तो आ, आपका जिक्र खैर और आपकी तहरीर और तकरीर के तस्करे Allah. वो पहुँचते थे आ, और वो इंस्पिरेशन होते थे और इसी तरह आ, मुस्लिम हाई स्कूल से हाशिम खान साहब का उनकी जो शख्सियत और उनका अदब से ताल्लुक तो आप लोग भी इंस्परेशन में शामिल होते थे लेकिन जो सर दस्त वहाँ मेरे साथ मौजूद होते थे जिन्हें के दस्ते शफकत से जो है मुझे ये शौक मिला लिखने लिखाने का पढ़ने का बोलने का उनमें सबसे पहले हैं चौधरी सत्तार साहब हयात हैं अल्लाह पाक जो है उनको लंबी उम्र ताफरमाए उनका सर लिखना कमाल है वाह खुदादात उनका जो लिखना है ना उनके अल्फाज मैं ये कहता हूँ कि वो मजमून नहीं होता वो नसर नहीं होती वो मंजर होता है वाँ 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 वाँ। तो और उनके साथ फिर उसके बाद जब थोड़ा हाई सेक्शन में हम लोग आए तो वो सैयद इकबाल हुसैन शाह तो सुबह अल्लाह तुम उनको भी बड़ी खूबसूरत दी है बेशक ऐसी तो अगर आपकी इजाजत हो मैं जल्दी जल्दी एक मुख्तसर सा अब्दुलसतार साहब के हवाले से एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ क्लास में मैं जब था एक तकरीर लिखी उन्होंने अच्छा उस जमाने में ये सोशल मीडिया तो था नहीं तो लेकिन ये है कि ये अदबी माहौल काफी ज्यादा होता था, था। तालीमी इदारों में बड़ा अदबी माहौल होता था और सहमाई बुनियादों पर अक्सर औकात ये मुकाबला जात और फिर जिली सतह के और डिजनल सतह के सूबाई सतह के, के।, के।, के। अलहमदिल्ला हर लेवल पे तकरीर के मुकाबला जात किए स्काउटिंग के किए सिक्स क्लास में सत्तार साहब ने एक तकरीर लिखी उसका उनवान था मैं और अलामा इकबाल वाह जब स्टेज पे मैं आता था तकरीर के लिए उनवान देखते ही उनवान सुनते ही लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं बच्चा क्या बोलने लगा हुँ, हुँ, अच्छा तकरीर की मैंने हमारे इदारे के अंदर एक मुकाबला था तकरीर की मैं तकरीर के दौरान देख रहा हूँ जब मैं जनाब सदर कहने के लिए मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ स्टेज पर मौजूद इस दो तीन और प्रिंसिपल साहब हमारे अल्लाई के रहमत करे चौधरी साहब जो कुरान मजीद बानी है और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे बहुत उनका बड़ा किरदार है यकीन मुल्तान यकीन। के तलबा में तालीम की तरवीज के लिए और स्काउटिंग की तरवीज के लिए तौर पर फिर कुरान कानफ्रज का उनका जो एक नाम है बड़ा खूबसूरत जिसमें पाकिस्तान भर से लोग जमा होते थे तो खैर मैं ये देखता हूँ कि जनाब उनकी आंखों से आंसू रवा हैं मैं बच्चा था सिक्स क्लास का स्टूडेंट था मुझे कुछ समझ नहीं आई मैं थोड़ा हैरान बल्कि परेशान के क्यों रो रहे हैं खैर वक्त गुजरता गया Six, से में आ अब एक फिर वैसा ही एक मुकाबला हो रहा है कोई, या गालबन कोई, था, तो की से फरमाइश हुई कि कहने बेटा दोबारा वो सुनाओ याद है, मैं कि जी याद है। तो अब मैं एट्थ में आ चुका था लेकिन शायद अभी भी थोड़ी लाशरी की उम्र थी हुँँ. तो मैंने फिर वही मंजर देखा वाँ, के स्टेज पर बैठे हुए इस प्रिंसिपल साहब की आंखों से आंसू रवा है वहां से उतर के नीचे आता हूँ चौधरी अब्दुल सतार साहब बैठे हैं जहां बच्चे सामने सामयन की सूरत में बैठे हैं तो वो भी जो है वो रुमाल से अपने चेहरे को साफ कर रहे हैं मैं अब भी परेशान साल एक दो और गुजर गया मैं टेंथ का स्टूडेंट हो गया एक दफा फिर मुझसे फरमाइश हुई प्रिंसिपल साहब की जानब से बेटा वो तकरीर सुनाए मैं और अल्लामा इकबाल मैंने फिर तकरीर शुरू कर दी लेकिन आज मंजर जो था वो ये कि स्टेज वाले भी रो रहे थे और मैं करते हुए खुद भी रो रहा था अब मुझे जब उन अल्फाजों की समझ आ रही थी तो वो मेरे वजूद में दिलो दिमाग में होते रहते तो ये है ये तहरीर थी चौधरी अब्दुल सत्तार साहब की।, की ये मैंने आपको उनकी तहरीर की एक वाँ। मिसाल दी है वाह वाह वाह। सुबह सुबह क्या बात है बात करता है तो खुशबू को बदन देता है उसका लहजा तो कलाबों को दहन देता है क्या बात है अच्छा इज्जत माप जनाब चौधरी अब्दुल सलाम रहमत जी रफायाम स्कूल और चौधरी साहब लाजिम बेशक उनके कुरान कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी उन्होंने के से रफायाम स्कूल पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता था जी और उसका मुकाबला मुस्लिम स्कूल पायलट स्कूल दीगर इदारों से होता था लेकिन रफायाम को एक फौकिया था हासिल जी और यहाँ ये बात मैं भी एक तलिब के तौर पर अर्ज कर दूँ कि चौधरी अब जनरल सेक्रेटरी रहे कुरान कॉन्फ्रेंस के आपसे जरा उसका हालवा लेते हैं जब आप वहाँ थे और आप भी उसमें शरीक रहे कॉन्फ्रेंस में जी उसके बाद अलहाज एरब नासिर जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे जी। उनके इंतकाल के बाद वो जनरल सेक्रेटरी और आज अलहाज एरब नासिर के इंतकाल के बाद मैं बतौर कायम मुकाम जनरल कॉन्फ्रेंस काम कर रहा हूँ तो मैं कि मेरे लिए लिए तो आप में रहे कुरान का आगाज हुआ, तो हमारे नाजीन से थोड़ा सी वो यादें भी शेयर कीजिएगा जी सर कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस का इनका तो शायद मेरे पैदाइश से भी पहले का हो वो जब सिलसिला शुरू हुआ आ, लेकिन ये है कि मुझे एक से दो कॉन्फ्रेंस कह लें एक कॉन्फ्रेंस तो अपनी लाशोरी की उम्र में ना बचपन बच्चपन, बिल्कुल बचपन था स्कूल में गए तो वो एक कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जब दूसरी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो वो स्कूल के हर तालब के लिए ना बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम होता था और पाकिस्तान भर से लोग जमा होते थे तीन साल तक उसकी मुसलसल तैयारी की जाती थी और ये चौधरी अब साहब का खासा है कि वो बड़ी महारत से और बड़े नज़म से तमाम चीज़ों को एक साथ चलाते थे यानी ऐसा नहीं है कि तालीमी हिसाब से इदारे के रिजल्ट कमजोर हों ऐसा नहीं था तालीम के हवाले से भी इधारा बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है स्काउटिंग में भी इदारे के तलेब इलम जो है वो हर महाज पर अपना नाम बना रहे हैं और बस में अदब में भी बस में अदब में अदब भी और फिर ये जो कुरान कॉन्फ्रेंस का इक़ाद होता था तीन रोजा सह रोजा जो कॉन्फ्रेंस होती नहीं। थी नहीं। नहीं। इस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो प्रोफेसर डॉक्टर्स पूरे मुल्क से जमा होते थे और मुल्क के हर शहर से हर यूनिवर्सिटी से वो लोग आते थे उनके लेक्चर्स होते थे तो मैं ये समझता हूँ कि हम तालबिलों के लिए ये बड़े एजाज की बात होती थी कि अहल कुरान और अहल इल्म लोगों की ज्यारत हो जाती थी और उनकी उनकी उनको देखने के उनकी ज्यारत के मैं समझता हूँ कि बरक़ात असरात उस पूरी जनरेशन पर होंगे बिल्कुल ऐसी और उनकी पूरी जिंदगी चलते रहेंगे उनका जो फैज़ है अच्छा फिर दूसरी जानब इस कॉन्फ्रेंस के साथ भी एक पूरी स्काउट रैली का इनका होता था फिर उसमें जो है वो पूरे मुल्क से स्काउट्स आते थे हुँ, हुँ. मुल्क भर की हर डिवीजन से हर जिले से हुँ. उसमें जो है वो स्काउट्स मौजूद हैं फिर वो जो एक कौमी यकजहती का भी ये कॉन्फ्रेंस जिसे conference. आप कह रहे हैं ना कि पूरा का पूरा एक मुजाह था।, 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 था और मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत को चाहिए कि कुरान कॉन्फ्रेंस को और इस तरह के प्रोग्राम जहाँ कहीं भी होते हैं ना उनको सरपरस्ती में ओन कर लिया जाना चाहिए जिसके न सिर्फ तरबियत के हवाले से हमारी आज की नस्ल को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है हु, क्योंकि जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की जो इस वक्त पोजिशन है कसरत है ये उस जमाने में नहीं थी बिल्कुल तो इसकी थी। आज ज्यादा जरूरत है कि तरबियत के हवाले से भी ऐसे प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा हों और प्राइवेट हैसियत में ऐसे प्रोग्राम होने से जो मुआशी मसाइल की वजह से इनमें जो बाकायदगी नहीं हो नहीं। पाती तो हकूमत को चाहिए कि इन्हें ऑन कर हाँ जी इसके डबल फायदे हैं सर कौमी यकजहती का मुजाहरा भी है एक दफ़ा फिर इसकी भी आज जरूरत है मौजूदा हालात में इसकी भी बहुत जरूरत है तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से यूँ कह लीजिए कि मैं हकूमत वक्त से मुतालबा भी करता हूँ ऐसे प्रोग्रामों को ऑन करके जो है वो नई नस्ल की तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करें जय ना गुफ्तु का सिलसिला जारी है एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे से वापसी के बाद इन रोहान दानिश से गुफ्तू का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ रहिएगा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद

हेल्थ फार्मूला के साथ क्षमा कुकिंग ऑयल एंड क्षमा वनस्पति बोले दिल की बोली कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता मुकम्मल एहतियात करे पुलाई और डिस जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर दफ्तर मस्जिद शॉपिंग मॉल्स हॉस्पिटल्स किसी भी जगह फ्रूट्स वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिस इनफेक्ट डब्ल्यू एच ओ की रिकमेंडेशन के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्ंद लेबोरेटरी सद याफ्ताफेक्टेड जो करे हर तरह के जाम्स और वायरसेस का निन्यानवे इशारिया नौ फीसद खात्मा और देख मुकम्मल तहफ़ ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात एक तीन पाँच दस और तीस लीटर की पैकिंग में दस्तियाब है ठीक है पैसे तेरी मर्जी दे लेकिन मेरे को तो वॉशरूम टॉयलेट सिफर्श शीशेलीकार, कार लिश्क दा चाहिए बीबी ही ना करो मैं तो विज करे सा वॉशरूम इवे जगमग जगमग मासी विज नाल नहीं करना इंदे नाल करने विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया सेहत सफाई ते पाकीजगी घिन के आया क्यों जो सफाई निश ईमान है वल मेरा ते विज दा कमाल जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड इंटरनेशनल मियार जिंदगी खुशगवार वो भी क्यों ना ट्राई की जो किया विज वॉश हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सक जी पट के नवा लग सी पैसे कितने टाइम कितना आठ हजार टू यो नवा थी वैसी बाजी तुसा करे सो एक रेसी सी ओ भी दो मिनट ठीक है ना पांच हजार मैं देता साढ़े जनूबी पंजाब का अपना बेस्ट बाथरूम टॉयलेट क्लीनर पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से पंच हजार दिन नहीं खुले पैसे, हैं? विजदा दा मतलब शर्तियाँ सफाई। फर्मर ना ही नो, एतमार विज़ वॉश, हाउस ऑफ़ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇ ਵਿਸਦੇ ਅਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਫर्श ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮ ਚਮ ਚਮਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਝਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਿੰਣਾ ਵਿਸਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ 베ਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ 베ਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਨ ਸਫਾਈ 베 तंदरुस्ती थी तंदुरुस्ती हर गिज ना बन जाए विज आज ही घर घेर के बन जाए कहनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजीन अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया अजम प्रोफेसर रुहान दानिश हमारे साथ मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी का जो तसलसल है उसमें इल्म अदब को बड़ी फ़ोकियत हासिल है बरतरी हासिल है और वह हम वक्त इन तमाम चीज़ों से कृतास कलम से जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह उनकी एक किताब जो है महबूब आलम आ, वो आ, अवाम ख़्वास में पसीराई हासिल कर चुकी उस पर भी गुस्सगु होगी लेकिन चूंकि इससे पहले स्काउटिंग का जिक्र हो रहा था तो स्काउटिंग में रूहान दानिश ने गोल्ड मेडल लिया तो जरा उसका हाल वाल भी इनसे शेयर करते हैं जी मैंने जैसे अर्ज किया कि रफयाम स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल जनाब चौधरी सलाम साहब ने उनका जो एक तुर्रा इम्तियाज कह लें कि स्कूल का हर तालब इम स्काउट होता था अच्छा उनकी अपनी वर्दी जो होती थी वो भी होती वो, थी? वो, भी भी स्काउटिंग स्काउटिंग वाली होती थी थी जैसी ही थी, हाँ जी बिल्कुल मलाइशिया की वर्दी की वर्दी हाँ अच्छा उसमें ये था कि स्कूल की अपनी एक मखसूस यूनिफॉर्म भी थी अलबतः उसके साथ ये परमिशन भी थी और उनको मखसूस दिनों में या रैली के दिनों में इस तरह से बल्कि फिर बाद बाद जो है ना इसकी बाकायदा इजाजत भी दे दी गई थी कि वो भी इस्तेमाल की जा सकती है उनकी स्काउटिंग से ये वाले है ना अकीदत थी अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और अर्ज करूँ आ, बहुत सारे लोग उस जमाने में आज तो वैसे ही हुकूमत की गफलत के सबब ही मैं कहूँगा कि ये शोबा भी जवाल का शिकार है और इस तरफ तो नहीं है जो कि होनी चाहिए आ, अभी बहुत आगाज में शायद मैं सिक्स सेवन्थ का स्टूडेंट था और मैं कहीं कहीं इधर उधर से लोगों से कोई घर में माहौल में कोई या कहीं बाहर मुझे याद नहीं मैं ये भी सुन दिया करता था कि क्या जरूरत है इसकी बाज़ लोग ऐसी बातें करते थे स्काउटिंग की वक्त का ज्याप तो बच्चा था कहीं ना कहीं ये बात जहन में आ गई लेकिन मुतासर ना किया इस बात ने मुझे अलबत्त सवाल की सूरत में जहन में आ गई तो अब्दुलसलाम साहब जाहिर है वो प्रिंसिपल थे और लोग उनसे ऐसी बातें शेयर करते होंगे या कहीं ना कहीं से उनके पास भी पहुंचती होंगी तो एक तकरीर में उनका मामूल था कि हफ्ते के पहले रोज पूरी असम्बली में देर तक जो है वो तलबा से खिताब होता था तो उसमें उन्होंने एक जुमला बोला कि स्काउटिंग मैं इसलिए करता हूं कि इसमें खेमा लगाते हैं हम ठीक है और खेमे में रहना मेरे रसूल सलाम की सुन्नत है शुबान शुबान। ये जुमला मेरे दिलो दिमाग में ऐसा वा, 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 घर किया रीजन मिल गया स्काउटिंग करने का वा, 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 वा. अच्छा उसमें आगे जो चल के बेशुमार अच्छाइयां हैं वो एक अलग चीज़ है जिसे मैं एक थोड़ा सा मुख्तरा अर्ज करूं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है न सिर्फ स्कूल हद हत्या मदरसा भी उसमें भी बुनियादी दुआओं के सिखाने का कोई बाकायदा एहतम नहीं है सिलेबस का हिस्सा नहीं है इल्ला ये कि कोई उस्ताद या वाले हैसियत में इसका शौक या एहतमाम करे तो मुझे कह लीजिए कि एट तक या स्काउटिंग करने वाले बच्चों को एट्थ क्लास में आते आने तक या टेंथ तक हमें तमाम जो आपकी मसनून दुआएं हैं रोजमर्रा मामूल की वो सब याद इवन नमाज जनाजा जो उसमें काफी इस हवाले से गफलत पाई जाती है हमारे माशरे में स्टूडेंट था मुझे स्काउटिंग की वजह से तो खैर वो मुझे रीजन मिल गई स्काउटिंग करने की कि ये खेमे में रहना आप की सुन्नत है आज के दौर में तो वो रिवाज है नहीं अलबत इस तरीके से जो है वो हमें एक सुनत अदा करने का मौका मिल जाता है तो ये फिर यूं कह लें कि ये एक अकीदत भी इसमें शामिल हो गई ये वजह बनी थोड़ा आगे इसमें मजीद बढ़ने की आ, अच्छा एक वजह और भी थी स्काउटिंग स्काउट कैंप जहाँ भी हुआ करता था चाहे वो लोकल है लाहौर में हो रहा है मुल्तान आ, मरी में हो रहा है जो गरमाई तरबियती मकाम है या कोयटा पिशावर कहीं भी हो रहा है तो स्काउटिंग के साथ साथ वहां पर अदबी मुकाबला जात भी हुआ करते थे हमेशा से तिलावत नाथ और तकरीर तो आ, तकरीर के लिए मुझे साथ ले जाया जाता अब सूरत हाल ये हुई कि जब मैं एट्थ में सिक्स से ये सिलसिला शुरू हुआ एट्थ या नाइन्थ तक आते आते दीगर बच्चों का ये होता था कि जो स्काउट कैंप में बच्चे जा रहे हैं वो हर दफा सा की कोशिश होती थी कि मुख्तलि बच्चों को मौका मिले तो बच्चे बदल बदल के तकरीबन आते थे लेकिन जो बजमे अदब वाले बच्चे होते थे वो तकरीबन वही मखसूस बच्चे हर जगह साथ जाते थे तो वह आखिर में ये सूरत हाल हो गई कि जब हम नाइन्थ तक या टेंथ तक आए ना तो वो सबसे ज्यादा जो स्काउट कैंप हमने किए हुए थे बुनियादी तौर पे तो तकरीर की वजह से जाते थे नहीं, नहीं। तो लेकिन ये है कि वो जहरे कैंपों की तादाद फिर वो कैंप का एक्सपीरियंस हो गया उस माहौल में रहते रहते जो उनकी मखसूस महारतें होती हैं स्काउटिंग की वो सारी हासिल हो गई तो फिर यही सबब बना कि मुझे बेस्ट स्काउट के मुकाबले में जिसका लाहौर में इनका हुआ करता था वहाँ मुझे भेजा गया और अलहमदिल्ला तला के फजल करम से मैं नाइनटी में पाकिस्तान का सॉरी सुबह पंजाब का बेहतरीन स्काउट डिक्लेयर हुआ और मुझे जो है वो सदर पाकिस्तान से गोल्ड मेडल इम्तियाज दिया गया मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी हम वक्त की दीवार में दर काट रहे वाह बहुत वाह अच्छा माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी मिल गया और अब आता हूँ मैं इस तरफ के ये जो किताब लिखने का सिलसिला है जी इस तरफ तबीयत कैसे रागब हुई वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने आपको किताब लिखने पर मजबूर किया लिखने का शौक़ तो पढ़ने के शौक के साथ साथ मुझे कह लें कि स्कूल से ही मिला चौधरी अब्दुलसला चौधरी अब्दुल्सम और बाद चौधरी अब्दुलसतार साहब की तरबियत में उनके जेर सया रहते हुए अब मेरी ख्वाहिश थी मेरा मेरा जी चाहता था कि मेरी जो सबसे पहली किताब हो वो आ हजूर नबी करीम की शख्सियत के हवाले से हो सुबहान्ल सुबह तो मैं इतफ़ाक़ से पैरल ही मुख्तलिफ मौजुआ पर काम कर रहा था यानी सीरत की किताब के अलावा मैं एक जो है वो याददाश्तें जमा कर रहा था एक तरफ जिसे अब डायरी कह लें फिर कॉलम्स का सिलसिला था तो लेकिन यह है कि इसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश यह थी कि मैं मुरतब पूरी तरह से पहले सीरत की किताब को कर लूँ लेकिन मैं इसे अल्लाह इज़्ज़त का खास फजल ही कहूँगा उसकी इनायत कहूँगा मैं इस किताब को दरअसल मैंने आगाज किया था एक नसरी किताब की सूरत में जो मज़ामीन की सूरत में होना थी <coughs> वो मजामी की सूरत में इसका आगाज हुआ मदीना मुनोवर में अच्छा मैं यहाँ पर यह भी आपको अर्ज़ करूँ कि मुझे अलहमद सुबहान मौका दिया मैं इससे पहले भी सात साल मदीना मुनवरा में मेरा क्याम रहा और इस किताब का एक एक लफ्ज मदीना मुनवरा में लिखा हुआ है सुभानला, सुभानला और इसे अल्लाह की तोहफी ही कहूँगा इंतहाई आजी और इनकसारी के साथ अर्ज करता हूँ कि बावजू होकर लिखा गया है सुबह तो जब ये किताब मैं अपने तई तो नसर या मजमून की सूरत में लिख रहा था बगैर किसी इरादे के एक वाक्य इस तरह से लिखा गया जिसमें बाद अज़ा मुझे अगले दिन पढ़ने पर महसूस हुआ जब मैं अपने मामूल के मुताबिक अगला मजमून लिखने लगा तो जैसे कहते हैं कि पिछला मज़मून एक सरसी नजर डालते हैं तो मुझे महसूस हुआ उसमें कुछ फिक्शन का टच लिखते हुए मेरा इरादा नहीं था ऐसा मुझे उसमें फिक्शन का टच महसूस हुआ तब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये अंदाज बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए पुरकशिश हो सकता है लेकिन मौजू की हसासीत की वजह से कुछ दिल में डर और खौफ का एहसास भी था कि जाने अनजाने में कुछ जो है वो बेअदबी ना हो जाए बहरहाल अल्लाह ताला से लॉ लगाई उससे दुआ की बहुत ज्यादा कई दिन तक लिखने का सिलसिला मौकूफ कर दिया और बारहा यह दुआ करता रहा कि इलाही अगर इस अंदाज में लिखने में कोई कबाहत नहीं है तो तू तो मेरी मदद फरमा मैं दीगर वाक्यात को भी चाहता हूँ कि इसी अंदाज़ में जमा करूँ वाह तो अलहदुल्ला न जाने फिर ये दो चार छः दिन में कब ये सिलसिला शुरू हो गया और पूरी की पूरी किताब मदीना मुनवरा में ही मुकम्मल की और बाद पाकिस्तान वापसी पर इसकी इशात हुई नाजिन ये वो किताब है जिसके बारे में रूहान दानी से बताया कि मदीना मुनवरा में माशा ये किताब तहरीक की गई और बावजू हालत में तहरीर की गई यकीन ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है बड़ी करम नवाजी है बेश और शाया होने के बाद इसको बड़ी पजीराई मिली और इसकी तकरीब रनुमाई भी माशाल्लाह मनकद हुई मुल्तान टी हाउस में और इसमें बहुत सारे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं जिसमें छोटे छोटे उनवाना के तहत जो है वो कहानियों की सूरत में बच्चों के लिए एक ऐसी पुरकशिश किताब जो तहरीर की गई कि जो यकीन आने वाले वक्त में रुश्तों हिदायत का सबब बनेगी कि हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी हम भी लगता है मर नहीं सकते तो ये अल्फाज इंसानों को अमर करते हैं और इसकी बैक पर सज्जाद जहानिया साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है अच्छा रहा इस, इस किताब के अलावा मजीद क्या प्रोग्राम है कोई किताब लाना चाह रहे हैं उस पर काम हो रहा है क्या जी था? सर अलहमदिल्ला इस किताब के बाद इसी मौजू पर दो मज़ीद किताबों का मुसवदा अल्हदल्ला मेरे पास तैयार है और मुस्तबिल करीब में जो है वो उसको बाकायदा इशात की तरफ ले जाएंगे इसके साथ साथ मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि एक किताब जो है वो याददाश्तों के हवाले से जमा कर रहा हूँ बचपन की याददाश्तें जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आशिक करनाली साहब से मुलाकात और इस तरह दीगर जो है बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियात से मुलाकात या कुछ ऐसे वाक़ात में बचपन के जमा कर रहा हूँ जहाँ कहीं हमारी नानी ने नाना ने किसी में से किसी हमारे उस्ताद ने वालिद ने वालदा ने जिस मौके पर हमें कोई नसीहत आमोज बात की जिसके पीछे एक वाक्य भी है जो शुरू में तो एक मजाक के सेंस या एक दिलचस्पी का बाइस बनता है लेकिन आखिर में जो असल मकसद है कि वो पैगाम जो मुझे वो नसीहत जो मुझे मेरे वालिद से वालदा से दादा दादी से नाना से, से मिली वो मैं इस अंदाज में या इस किताब की सूरत में अगली नई जनरेशन में मुंतकिल करना चाहता हूँ इन शाह वो भी तैयार है उस पर मुकम्मल काम हो चुका है, है।, तो है अमन लाजमी तकना के लिए, जी। है अमल लाजमी तमन्ना के लिए। वरना रंगीन ख्याल से क्या होता है बेषक वाह बहुत खूब तो ये कलम का सफर इनशा जारी है और जो मैंने सुना की आप इनशा दोबारा जो है वो मक्का शरीफ तशीफ ले जा रहे हैं जॉब के सिलसिले में तो अल्लाह करेगा वहाँ भी आसानी जी बिल्कुल और आप वहाँ में और हमारे इतारे को सबको दुआ में याद रखेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आज हमारे प्रोग्राम अहले कलम में आप हमारे मेहमान हैं तो एक सवाल तो ये है खूश पैगाम से पहले के नस्ल नौ जो सोशल मीडिया से ज्यादा मुतासर है उसे हम आपके अंदाज में इतासो कलम की तरफ कैसे वापस लौटा सकते हैं ये बहुत अहम नुकता या मौजू या इशारा जिस तरफ आपने किया है और इसकी बहुत जरूरत है आ, मैं ये समझता हूँ कि ये किताब जैसे मैंने ये कोशिश की है और इस तरह बहुत सारे दोस्त हमारे पेश रहो, हम असर जितने भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक तो हम इन किताबों को सोशल मीडिया पर मुंतकिल करें आ, इसको हार्ड सूरत में भी और जहां मुमकिन हो ऑडियो की सूरत में भी ताकि पहले मरले में ए, उसी सोशल मीडिया के जरिए ही नौजवानों का इससे ताल्लुक बने किताब से अच्छा फिर जब चूंकि वो एक प्लेटफॉर्म है ना जिसे सब लोग यूज कर भी भी रहे हैं फिर वो वहां से जो कशिश मिलेगी अट्रैक्शन मिलेगी वो इनशाला किताब की जो असल सूरत है उस तरफ भी ले जाने का सबब बनेगी तो मैं ये समझता हूँ कि जो राइटर हजरात हैं और पब्लिशर हजरात हैं उनको चाहिए कि जहाँ इस किताब की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है हुँ, तो साथ हुँ, साथ जो है वो उस तरफ भी कोशिश करनी चाहिए खासतौर तो पे उन इधारों को जो बड़े इदारे हैं जिनके पास वसाइल भी मौजूद हैं हुँ, हुँ. तो उन्हें चाहिए कि इस कदम को फौरी तौर पर जो है वो शुरू करें ताकि सोशल मीडिया के जो मनफी असरा हैं वो कम उनको कम से कम किया जा सके अच्छा हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई खूस पैगाम जो है वो आप क्या देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मे मेरे, मेरे मुखातिब जो हैं वो आज के नौजवान और बच्चे हों ठीक है वालदे इस बड़े उनके सामने तो मैं मेरा कद उम्र के लिहाज से भी और इलम के लिहाज से भी जो है वो इतना छोटा है कि मेरी यूँ समझ लें कि मैं ऐसी जरूरत नहीं पाता अलबत् मैं अपने आज के नौजवानों को तालब इलमों को तलबा तलबात को यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला आ, आ, सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने मिजाज में पैदा करें वो है अदब अदब के बग़ैर अदब को मैं समझता हूँ कि अदब की हैसियत आ, किसी भी फर्द के लिए एक बर्तन की है जिसके अंदर इल्म ने और कामयाबी ने समोना है अगर आपके पास वो बर्तन ही नहीं है तो आप कामयाबी और इल्म का तस्वुर नहीं कर सकते क्या अच्छा है किताबों से इल्म कभी नहीं आएगा सुनने से देखने से हती के अः की सोहबत में बैठने से भी नहीं आएगा अगर आपके दिल में दिमाग में अदब ने अदब है। नहीं। और मैं अलहिला अपने अपने का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी ये तरबियत की और जब हम स्कूल से कॉलेज से फ्री हो गए और बाद अजा जब कभी अपने स्कूल में कॉलेज में जाना होता है तो इस बड़ी प्यार से बड़ी शफकत से पेश आते हैं तब वो दोस्तों जैसे रिस्पेक्ट देते हैं अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाते हैं लेकिन अलहमद मैंने कभी जो है वो उनके बराबर वाली कुर्सी पे बैठने के बावजूद अपनी कुर्सी को एक कदम पीछे कर लिया और इसी तरह मुझे स्कूल और कॉलेज के ज़माने में कभी याद नहीं कि मैं बरामदे में से मेरे कोई उस्ताद भले उन्होंने मुझे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया वो गुजर रहे हैं और मैं उनसे चार कदम आगे निकल गया हूँ मैंने अपनी रफ्तार को स्लो कर लिया रुकना पड़ा तो रुक गया वाह और शायद बल्कि यकीन मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर अगर कोई ख़ूबी है तो यकीन वो अल्लाह ताला की अता है और उसका सबब जो है वो ये अदब हो सकता है इसमें मैं थोड़ा सा इसके बाद इजाफा करना चाहूंगा दूसरी चीज जो है वो है अपना किताब से ताल्लुक किताब से ताल्लुक को जो है वो मजबूत करने की जरूरत है और मुझ समेत जो भी शख्स ये बात करता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तो वो दरअसल जो है हमारी मिस उसे आप मैनेजमेंट कर लें कह लें टाइम की वो है तो मतलब एक सफा जिस तरह यकीनी बात है कि किताबों की सरदार किताब तो कुरान हकीम है तो हमारा उससे भी ताल्लुक होना चाहिए ऐसे जो दूसरी कुतुब के पढ़ने की आदत है तो दिन में किसी भी कोई भी वक्त अपनी आसानी के हिसाब से मखसूस किया जा सकता है कि एक सफ़ा आधा सफ़ा कुछ ना कुछ पढ़ लें तो मेरे नज़दीक जो कुतुब का मताल है ये दरअसल आपके जहन की जो जमीन है उसकी गोडी करना है दरअसल आब हो रही है आब हो रही है उसकी बिल्कुल सही तो उसके असरा जो है वो मुआरे में जरूर नजर आते रहते हैं तो ये ताल्लुक मजबूत होने की जरूरत है गोया एक शेर मेरे सामने है कि इरफान उम्र भर का असाशा यही तो है इरफान उम्र भर का असाशा यही तो है कागज कलम किताब ख्याल शब चिराग बेशक तमन्ना है वाह नाजरीन प्रोफेसर रोहन दानिश की गुस्तु आपने सुनी आपका शुक्रिया प्रोग्राम और आपकी गुफ्तु के मंजर और पस मंजर में दो शार जो पेश करके मैं इजाज़त चाहूंगा कि मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब नहीं। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब बात करने से कबीले का पता चलता है वाह वाह बहुत खूब और दूसरा शेर के डिग्रियाँ नहीं करती फैसले फरासत के डिग्रिया नहीं करती फैसले फरासत के तरबियत बताती है खानदान कैसा है वाह तो आपके लिए बहुत आमीन। और नाजी प्रोग्राम अहले कलम से मेजबान राजा कौशल सईदी को इजाजत दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन शह अगले प्रोग्राम में किसी और साहिबानी के साथ मुलाकात होगी अल्लाह दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बापति एंड ऑयल गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग एस एम फूड Volka Foods International and Dhareja Group of Academies